दादी माँ के घरेलू नुस्खे, कमाल के उपाय। नंबर एक, रोटियों फटाफट बनाने का तरीका बताती हूँ। आज तवे पर एक रोटी सेकते हो, फिर उसे गैस पर सेकते हो। ऐसे रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आप एक साथ चार रोटियाँ सेक सकते हो। तवे पर रोटियाँ उलट पलट कर एक साथ चार रोटियाँ सेक लीजिए, फिर उसके बाद फटाफट से गैस पर सेक लीजिए। इससे बहुत जल्दी रोटियाँ बन जाती हैं, एक साथ में चार रोटी बनकर रेडी हो जाती हैं। नंबर दो, शैम्पू के खाली पाउच हम फेंक देते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो खाली शैम्पू को ले लीजिए और उन्हें कैंची से काट लीजिए। एक डिब्बे में पानी लीजिए, जितने भी शैम्पू होंगे पाउच सारा डिब्बे में निकाल दीजिए शैम्पू पाउच में से। फिर उस पानी से खिड़की, दरवाजे, कांच, गिलास अच्छे से क्लीन कर सकते हो। नंबर तीन, दाल बनाते समय कुकर से पानी बाहर निकलता है, इसके लिए आप जब दाल बनाओ ना, उबालने के लिए रखो ना, तो उसमें एक चम्मच तेल डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि दाल में से पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। नंबर चार, बालों में बहुत ज़्यादा ड्रैंड्रफ हो गया है तो सही नहीं हो रहा है, तो आप एक नींबू लीजिए, नींबू को काट कर बालों की जड़ों में अच्छे से लगाइए। आधे घंटे तक उसे ऐसे ही रहने दीजिए, फिर उसको बाल धो लीजिए। ऐसा आप चार पाँच बार करोगे ना तो आपकी ड्रैंड्रफ खत्म हो जाएगा। नंबर पाँच, कभी कभी हमारे हाथों में चूड़ियाँ जाती नहीं है, थोड़ी टाइट आ जाती हैं, तो कैसे पहने? पहला तरीका यह है कि आप हाथों पर थोड़ा सा वैसलीन लगा के पहन सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि आप पॉलीथिन पहन के भी चूड़ियाँ बहुत आसानी से पहन सकते हो। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।